प्रदेश में लंबे समय से बीजेपी की सरकार कार्य कर रही है तथा इस कार्यकाल के दौरान अन्य समुदाय के कल्याण बोर्ड पर अन्य योजनाएं बनती नहीं हैं, लेकिन अभी तक ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। ये बात धर्मशाला में पत्रकार वार्ता करते हुए संजय शर्मा ने कही। संजय शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन भी होना चाहिए तथा इस बोर्ड के अध्यक्ष पद पर किसी विद्वान व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर जिस व्यक्ति को नियुक्त करती है तो ऐसे व्यक्ति को वेदों के ज्ञान सहित संस्कृति का भी ज्ञान होना चाहिए। संजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार नीति बनाकर ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन करे। संजय शर्मा ने कहा कि पार्टी में समय समय पर ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन करने की मांग उठती रही है। उन्होंने कहा कि इस बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को जल्द शुरू किया जाना चाहिए ताकि ब्राह्मणों के मुद्दों का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण समय समय पर अपनी आवाज उठाते रहें। इसी के साथ संजय शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 4 निगमों के चुनाव हुए हैं। इन चुनावों के अंदर पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। सरकार ने 3 नगर निगम के मेयर पद आरक्षित किए, लेकिन धर्मशाला में जनरल कैटेगरी के लिए खुला रखा गया है। संजय शर्मा ने जयराम सरकार से अनुरोध करते हुए कहा कि धर्मशाला में किसी ब्राह्मण को ही मेयर पद के लिए चुना जाए। उन्होंने कहा कि जिला कांगड़ा व चंबा दोनों जिले राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि जिला चंबा व जिला कांगड़ा के ब्राह्मणों को प्रदेश सरकार द्वारा हमेशा अनदेखा किया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले लंबे समय से ब्राह्मण समाज का शोषण हो रहा है व ब्राह्मणों की राजनीतिक तौर पर अनदेखी हुई है। जी, मेरा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी से निवेदन मैंने किया है आप लोगों के माध्यम से कि लंबे समय से प्रदेश के अंदर जो है वो एक मांग उठती रही है कि प्रदेश में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड जो है वो उसका गठन किया जाना चाहिए, क्योंकि कई व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनको जो है वो सरकारी तौर पर तो देखा जा रहा है, लेकिन उनको शास्त्रार्थ के अनुसार, उनको संस्कृति और सांस्कृतिक भावना से, धार्मिक भावना से उनका संचालन शायद पूरी तरह से जो है जिस तरह से होना चाहिए वो नहीं हो पाता है और उनमें कई अनियमितताएं जो है होती हैं। मेरा यही निवेदन था कि लंबे समय से चली आ रही ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन को जो है वो शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाए और इस ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो ऐसा व्यक्ति बनाया जाए, वो विद्वान हो, उनके पास जीवन का अनुभव हो और इस क्षेत्र के अंदर उन्होंने लंबा काम किया हो। उस बोर्ड के जो सदस्य भी बनाए जाएं, वो भी वो विद्वान लोग जो हैं, जो चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी के, किसी कॉलेज के कोई प्रोफेसर रहे हों, जिनका जीवन का एक लंबा अनुभव जो है वो रहा हो और यहाँ की व्यवस्थाओं को कैसे सुचारू रूप से जो है वो चलाया जा सके, ताकि इतने धार्मिक स्थल है, देवियों का स्थल है, इतना हिमाचल जो है वो देवभूमि है और उस देवभूमि के अंदर शीघ्र अतिशीघ्र जो है वो पूरा करें, ताकि प्रदेश के अंदर जो है वो लगभग 25-30% जो है वो ब्राह्मण समुदाय प्रदेश के अंदर है, वो ऐसा मान करके चले कि उनके लिए वो जीवन के अंदर जो है वो एक अच्छा उस बोर्ड का गठन हुआ है और वो उसके अंदर जो है वो अपना प्रतिनिधित्व कर सकें और उनकी पार्टिसिपेशन जो है वो प्रदेश के अंदर जो है वो धार्मिक और सांस्कृतिक तौर पे जो है वो एक योगदान प्रदान कर सके। सर, आपने नगर निगम के ऊपर भी अपनी डिमांड रखी है, क्या डिमांड है? प्रदेश के अंदर अभी 4 नगर निगम के चुनाव जो है वो हुए हैं और 4 नगर निगम में से 3 नगर निगम जो है वो सरकार ने जो है वो अधिसूचना के अनुसार उसको जो है वो आरक्षित किया है अन्य वर्ग के लिए। एक नगर निगम धर्मशाला जो है वो ओपन है जनरल कैटेगरी के लिए, तो मेरा यही निवेदन है कि जनरल कैटेगरी के लिए जो है वो जीत करके आया हुआ जो भी ब्राह्मण उम्मीदवार है उसको यहाँ पे जो है वो मेयर पद के लिए चुना जाए, क्योंकि पूरे 2 जिलों के अंदर, खास करके चंबा और कांगड़ा के अंदर, राजनीतिक तौर पे पूरी अनदेखी जो है वो ब्राह्मण समाज की हुई है। कोई प्रतिनिधि जो है, चाहे वो लोकसभा में है चाहे वो विधानसभा के अंदर, एक भी टिकट जो है वो उसको नहीं दी गई, इसलिए कम से कम एक नगर निगम जो है वहाँ ब्राह्मण जो है उसको जो है वो मेयर पद के लिए जो है वो चुना जाना चाहिए, ताकि जो रोष है उसको कहीं ना कहीं जो है वो समझें कि उनका भी एक प्रतिनिधि, चाहे वो नगर निगम ही है।